भी सक्सेस करता है ना, केवल उसकी वजह से नहीं होता है, उसमें हाथ होता है उसके सीनियर का, उसके डॉमिनेंट का, ये सुनो। लेकिन वो चीज होता कब है, जब मेरे खुद के अंदर पावर हो, जब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, अपने ऊपर बिलीव हो, अपने ऊपर काम करने का शक्ति हो, क्षमता हो। आज अगर बात करो जो प्रोग्राम हुआ ना, सच बताएं मेरी जिंदगी में लाइफ में पहली बार हुआ था जब मैंने 6 नवंबर 2015 को ज्वाइनिंग ली थी और उसके बाद 11 दिसंबर 2015 को प्रोग्राम हुआ था नारी नेत्र कला में, ठीक है। तो वहाँ पे जब प्रोग्राम हुआ था ना, तो उस टाइम पे मेरी सीनियर आपके मेरे पास में ही खड़ी हुई, अगर सुनीता दीदी की बात की जाए, उस टाइम की दीदी ने हमसे एक चीज़ बोला था कि मनोरमा तुमने कभी 3000 की वॉच पहनी है? तो मैंने कहा नहीं दी, 3000 की नहीं पहनी, लेकिन उससे कम की पहन चुके हैं। तो दीदी बोली 3000 की वॉच अगर पहनना है ना तुमको, और वो भी अपने स्मार्ट वैल्यू से, और यहाँ से अगर तुमको पहनना है कि 1 रुपया तुम्हें ना खर्च करना पड़े, तो बस इतना समझ लो एक हफ्ते में तुम्हें 3 बीड़ी निकालना है। तो बस वही सोच करके काम करना स्टार्ट किया, और एक हफ्ते में सच बताएं मैंने यही से काम करके 1 हफ्ते में 3 बीड़ी कंप्लीट किया था, और वहीं से पहले ही महीने में हम स्टेज पर चढ़ गए थे, और आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी भी मेरा स्टेज छूटा नहीं है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के काम किया। आज अगर बात करो मेरे एक से एक डायनेमिक लीडर है जो मेरे डाउनलाइन, आज हम कार से चल रहे हैं, आज सच बताएं जो कार का जो औकात जो वैल्यू बना पा रहे हैं ना, ये मेरा था नहीं। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते, एक अच्छी फैमिली से, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सच बताएं ना, एक अपने अंदर बचपन से ख्वाहिश था कि कुछ ना कुछ अपने नाम से बनाना है, यही ख्वाहिश था, इसीलिए अपना बचपन से एम था कि हमको एडवोकेट बनना है, क्योंकि सच बताएं ना दिमागी बचपन से थे, क्यों, क्योंकि हमें पता था कोई भी अगर जॉब करेंगे, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे जाकर के इंजीनियर बन जाए, कुछ भी बन जाए, तो कहीं ना कहीं हम जाकर के जॉब करेंगे, ये सुनो। और मेरे दिमाग में क्या था, अगर वकील बन जाएंगे ना तो जितना चाहेंगे उतना पैसा कमा लेंगे, बस यही सोच करके वकालत की तैयारी कर रहे थे। लेकिन उसी के दरमियान मेरा सेकंड ईयर मेरा चल रहा था, और यहाँ करके मुझे प्लान शो दिखाया गया, और प्लान शो देखने के बाद सच बताएं जो काम करना स्टार्ट किया, जो मेरे दिमाग में घुस गया कि बचपन से ख्वाहिश थी कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, वो मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया। क्योंकि देखो एक चीज़ हम बता दें, काम करने में मन उसी का लगता है जो चीज़ों खर्च करने में जिसका ज़्यादा मन लगे, और आज अगर बात करो तो खर्च करने में हम बहुत तेज हैं, बचपन से ही सेक्रीफाइस करना हमें पसंद नहीं, ये सुनो। अभी अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम में, आप लोग को जो चीज़ पसंद होती है क्या आप ले पाते हो? नहीं ले पाते हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग सेक्रीफाइस करते हो कि नहीं करते हो? वहीं पे सोच लो कि आज हम ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्यों? बस एक चीज़ की वजह से, पैसे। यह सुनो, तो इतना काम करेंगे जब भरमा रहे हैं यहाँ पे पैसे की, तो हम क्यों ना ऐसा काम कर दें कि जो चीज़ सोचे एक बार में उसका प्राइस ना देखना पड़े मेरे पास आ जाए। यह सुनो, हमेशा सोचो कि कभी भी रेस्टोरेंट जाए ना तो हमेशा अपना डिश पसंद करें, कभी उसका प्राइस ना देखें, मसाला डोसा। कभी भी अगर जाए हम मॉल में तो वहाँ पे कपड़ा हम पसंद करें, उसका प्राइस ना देखें। ये चीज़ अपने अंदर जाना, जिस दिन ये कर लिए ना उस दिन हो जाएगा। आज अगर बात करो, स्टार्टिंग किए थे ना मामूली से स्टूडेंट, मेरे पापा भले गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हम हमेशा सोचते थे ना, मेरे 3 भाई हैं, सब लोग का अच्छा चल रहा है हर एक चीज़, लेकिन हमेशा सोचते थे मैं लड़की हूँ, मेरा है क्या, कुछ भी तो नहीं है। कल की डेट में मेरे पापा भाई बोलते रहे शादी कर देंगे, दूसरे घर चले जाएंगे, मेरा खुद का क्या है, मेरा औकात क्या है, कुछ भी तो नहीं है। पापा चाहे जितना बोलते तुमको ये देंगे वो देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भाई उंगली तो उठाएगा ना, उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे? आज हम अगर जो बना लिए ना वो सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा होगा। और आज वो करके दिखा दिए, स्टार्टिंग किए थे एक छोटी सी सोच लेकर के कि कुछ नहीं अपना जेब खर्च निकाल लेंगे, बहुत बड़ी बात है, मम्मी पापा के सिर से बोझ हट जाएगा, लेकिन मामूली सा स्टार्ट किया। आज अगर बात करो 2.5 महीने के अंदर मैंने अपना स्कूटी परचेज किया 55,500 का, उसके बाद में मैंने जस्ट अभी मार्च में, सच बताया मेरा सुपर स्मार्ट सिल्वर हुआ ही नहीं, क्यों थी, डायरेक्ट मेरा गोल्ड हुआ है, ये सब मेरा कुछ हुआ ही नहीं, डायरेक्ट गोल्ड। डेढ़ साल सच बताएं मेरे घर में इतना ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया गया, इतना सब कुछ परेशान किया गया, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रगल करने के बाद 1.5 साल मुझे घर पे बैठा के रखा गया। जानते हो क्यों? क्योंकि हर इंसान हर किसी से लड़ जा सकता है, लेकिन माँ से नहीं लड़ता है, उससे हार मान जाता है। हम भी उसी से हार मान गए थे। जब मेरी माँ ने बस एक सवाल बोला था कि हम 5 बहन हैं, मेरी मम्मी ने क्या बोला था, तुम 5 बहन और 4 लोग की शादी कर दिए, सबसे छोटी तुम बची हो, तो क्या चाहती तुम्हारी वजह से हम जहर खा लें? हमको जीने देना चाहती हो या मरवाना चाहती हो? क्योंकि तुम्हारा भाई जब भी एक हाथ उठाता है ना तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम भी बोले ठीक है चलो छोड़ते, तुम बोलती हो ना छोड़ते हैं, हमको भी विश्वास है ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करें, 1.5 साल 1 साल भी छोड़ेंगे ना तब भी मेरा सीनियर हमको दिल से वेलकम करेगा, यही सोच करके छोड़े थे। लेकिन सच बताएं 1.5 साल ऐसा कोई पैदा नहीं लिया जो हम निगेटिव कर दे स्मार्ट वैली पर, जिससे यहाँ लोग 2-4 दिन घर जाते हैं निगेटिव होके वापस आते हैं। जियो 1.5 साल घर में रहती हूँ, जबरदस्त। कभी भी कोई इंसान हमको निगेटिव नहीं, जब भी कोई हमको बोला तुम छोड़ दी तो हम बोलते थे घर में बैठे तुमको क्या लगता है छोड़ दिया, नहीं स्मार्ट वैली मेरे चल रहे, हम कर रहे हैं स्मार्ट वैली, केवल तुमको दिख रहा है ड्रेस में नहीं दिख रहा है, लेकिन हम स्मार्ट वैली कर रहे हैं।
बस यही बोलते थे। तो मेरी मम्मी भी बोलती थी तुमको घर में बिठा दिया तब तुम क्यों बोलते हो, तो हम बोलते थे मम्मी कर तो रहे काम, मेरा आईडी बंद है, काम तो कर रहे ना, मेरा इनकम तो आ रहा है मेरे अकाउंट में। और सच बताएं 1.5 साल घर में बैठ के पैसा कमाए इसी से, वरना अगर बात करो ना किसी जगह जॉब करते और छोड़ करके ये थे एक मामूली सा अपना लेवल सुपर स्मार्ट, उस टाइम मेरा चल रहा था सुपर स्मार्ट कंप्लीट हो गया था और वापस आया तो मेरा गोल्ड हो गया, समझ रहे हो ना, गोल्ड होने में केवल मेरा 5-6 स्टेप बाकी था, उसके बाद जब हम आए वो कंप्लीट। तो इस तरीके से काम होता है, 1.5 साल घर में बैठ करके पैसा कमाए, उसके बाद कोई भी इंसान पैसा कमाएगा उसके बाद वापस आए इस तरीके का प्लेटफॉर्म। मेरा सीनियर हमको दिल से वेलकम किया और इतने अच्छे लेवल पे पहुंचे, लेकिन सच बताएं अगर कहीं पे हम जॉब करते तो बड़ा लेवल छोड़ दो वो भी हमको जगह नहीं मिलता, यस और नो, वो मार के हमको भेज देता। तो ये पावर किसका, स्मार्ट वर्ल्ड का, ऐसी जगह जहाँ हम लोग कर पा रहे हैं। और उसके बाद सच बताएं मेरे 3 भाई, एक भाई का 2-2 4-व्हीलर चलता है, दूसरा भाई इलेक्ट्रीशियन है, उसके बाद में पढ़ाई कर रहा है, सबसे छोटे यहाँ में अपने भाई को 12,500 का मोबाइल गिफ्ट किया ओप्पो का। आज अगर बात करो एक टाइम में खुद के लिए नहीं कर पाते थे, आज अपने भाई को गिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद में मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हुए, दो लोग मेरे भाई कमा रहे बड़े, दोनों लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरा खुद का फैमिली, दोनों लोग का शादी हो गया, बोले हम खुद का फैमिली चलाते हैं, हम कैसे कितना पापा खिलाए। मेरी मम्मी का इस तरीके से आ गया, मेरी मम्मी जेवर को गिरवी रख दी, 1-2 लोगों से पैसा मांगी, उस टाइम मेरी मम्मी हमको नहीं बोली कि हमने पैसा लिया जेवर गिरवी रख, जब हमको पता चला ना तो मम्मी से एक चीज़ बोले थे हमको आप बता ही क्यों नहीं, क्या सोच करके आप हमको नहीं बताएं। तो मम्मी बोली यार तुम्हारा 2-2 भाई कमा रहा है, जब वो नहीं दे पा रहा है तो तुम कहाँ से दे पाती हमको लड़की होकर के। तो हम बोले मम्मी एक बार बोली तो होती, और सच बताएं दूसरे दिन ही मम्मी को 20,000 रुपये निकाले दूसरे दिन। और उसके बाद में डिस्चार्ज का जब टाइम आया था, पापा को डिस्चार्ज किया जा रहा था, तो उस टाइम फिर मम्मी का पैसा खर्च हो गया, फिर पापा का पूरा टोटल अमाउंट बना, फिर 20,000 मम्मी को निकाल दिए, टोटल 40,000 रुपये अपने पापा को इलाज करने के लिए दिए पापा को, जो मम्मी बोल रही थी कि तुम कर नहीं पाओगी। और ये बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात जानते क्या है, जैसे मेरे पापा डिस्चार्ज हुए थे उसके बाद तुरंत मेरे पापा को शोरूम पे ले जाकर के खड़ा कर दिया था, मेरे पापा गाड़ी पसंद किए तुरंत ही 5 लाख का गाड़ी भी गिफ्ट कर दिया, जो मेरी मम्मी सोच रही थी कि पापा के इलाज के लिए पैसा नहीं दे पाए। ये पावर कहाँ का, यहीं का जो कर पा रहे, वरना आप खुद सोच लो जिस जगह पे हम लोग हैं, अगर कुछ टाइम पहले की बात की जाए जिस जगह पे हम लोग हैं, क्या 1 रुपये की हेल्प करने के लायक है, भले मेरे पापा हॉस्पिटल में होते उल्टा हम खुद 10-20-50 रुपये मांगते मम्मी पापा से कि दीजिए हमको स्कूल जाना है, हमको अपना बुक लेना है, हमको अपना कॉपी लेना है, खर्च लाना है, या सुनो लेकिन इतनी छोटी उम्र में, कोई एज नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई हाइट वेट नहीं, उस जगह पे अगर आकर के इतना सब कुछ कर पा रहे तो बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू, बिकॉज ऑफ सीनियर, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस इतना है कि टारगेट बनाए, क्योंकि जब से मैंने स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन किया मैंने सब टारगेट बनाया। और मेरे सच बताएं हमको जो टीचर पढ़ाया भी ना, तो उसने भी हमेशा जिंदगी में हमको एक चीज़ सिखाया कि बेटा हमेशा कॉम्पिटिशन करो, जिस दिन तुम कॉम्पिटिशन नहीं करोगी उस दिन कुछ भी आगे नहीं कर पाओगी, क्योंकि कोई भी इंसान अकेला जब रेस में दौड़ता है ना तो हार जीत का पता नहीं चलता, जिस दिन वो कॉम्पिटिशन में दौड़ता है ना तो उस दिन पता चलता है हार रहा है कि जीत रहा है। तो अपने आगे ना अपना कॉम्पिटेटर खड़ा करो, यहाँ से किसी भी आप टारगेट बना करके ले जा सकते हो। रांची गए थे प्रोग्राम में, एक अपना बना लिया टारगेट कि अल्पना दीदी काजल दीदी के बगल में बैठना है और ये चीज़ करके दिखाएंगे, इस साल अपना पद जरूर कम्प्लीट करेंगे, ये तो आप लोगों से कमिटमेंट। अगली बार जब स्टेज पे मिलेंगे ना तो फर मिलेंगे 2,60,000 बोनस के साथ, समझ रहे ना। तो बस यही चीज़ें अपना बना लो, आज फैमिली क्या कर रही क्या नहीं कर रही, अपना घर का हिस्ट्री हम चेंज करेंगे, क्योंकि सच बताएं जो पानी से नहाता है वो केवल कपड़ा बदलता है और जो पसीने से नहाता है ना वो पूरा इतिहास बदलता है, यस नो। और हम तो हमेशा से सोचते हैं बस यही चीज़ कि जब हौसला बना लिया ऊँची उड़ान का तो देखना फिजूल एक कद आसमान का, समझ रहे हो ना। तो बस यही चीज सोच लीजिए, टारगेट के साथ में काम करिए और उसके साथ अपने अपलाइन का लास्ट वर्ड मन करके काम करिए, आप लोग को सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हर किसी के सक्सेस का अगर देखा जाए रास्ता जो बनाता है ना वो केवल सीनियर होता है और कोई नहीं होता है। तो आज हम जिस तरीके से अपने सीनियर का हाथ पकड़ करके काम कर रहे हैं ना उसी तरह आप करिए, आज अगर सीनियर अगर कार से चल रहा है तो आप लोग को कार से चलने से कोई नहीं रोक सकता, बस अपने सीनियर का हाथ पकड़ लीजिए, क्लियर, थैंक यू।